नमस्कार, बिहारी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे नाबालिग जो लड़के हैं, जो बच्चे हैं, जो गाड़ियां चलाते हैं, उसको लेकर जो है परिवहन विभाग ने एक गाइडलाइन जारी कर दी है। इस बार जो गाइडलाइन जारी की गई है वो सख्ती के साथ जारी की गई है और साफ तौर पे कहा गया है कि अब नाबालिग को तो पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ परिजनों को भी जो है जुर्माना देना पड़ेगा। बिहार में परिवहन विभाग इन दिनों एक्टिव हो गया है। बता दें कि विभाग इन दिनों खासकर नाबालिगों को लेकर काफ़ी एक्शन में दिख रही है। विभाग ने चलंत दस्ता सिपाही का गठन किया है जिससे कि इन नाबालिग वाहन चालकों को पकड़ा जा सके। बता दें कि अगस्त महीने में पूरे बिहार में इसको लेकर कार्रवाई तेज होने वाली है। नाबालिग वाहन चालकों पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, यह भी कहा जा रहा है कि अभिभावकों को 25,000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा। विभाग की तरफ से जारी अपडेट में यह बताया जा रहा है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है। बताया गया है कि 16 साल से 18 साल के बालिग बच्चे सिर्फ बिना गियर वाले गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन प्रदेश के कई ऐसे शहर हैं जहां पर नाबालिगों को गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया है और वे सड़कों पर करामात भी करते हुए दिखाई दिए हैं। ऐसे में विभाग अब इन नाबालिगों के खिलाफ कड़े से कड़े एक्शन लेने की तैयारी में है। बता दें कि नाबालिगों की सड़क पर गाड़ी चलाने की रफ्तार से कई दुर्घटनाएँ भी सामने आती रही है, जिसके बाद से विभाग अब पूरी तरह से एक्शन के मूड में आ गया है। बता दें कि परिवहन विभाग ने शहरी इलाकों में तेज़ गाड़ी चलाने वाले बाइकर्स और स्टंटबाजों के खिलाफ सख्ती बरतने को कहा है। साथ ही साथ विभाग ने चलंत दस्ता का भी गठन किया, इसको लेकर 2 दिनों की खास ट्रेनिंग जो है उन सिपाहियों को दी जाएगी। अगर कोई भी नाबालिग बच्चा सड़क पर कुछ गतिविधियां करता है तो उसे कुछ आर्थिक दंड के साथ साथ कुछ जो है उन्हें पनिशमेंट के रूप में जो है दंड देने की का प्रावधान जो है कोर्ट की तरफ से भी निर्धारित किया गया है। तो एक एक करके हम समझेंगे कि आखिर कोई नाबालिग बच्चा जो है गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो वो किन किन धाराओं में किस किस तरह की सज़ा उसे मिल सकती है। अगर बच्चा एक्सीडेंट कर देता है तो उसके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, उसके पेरेंट्स को भी इसके लिए दंड भुगतना होगा। मोटर व्हीकल एक्ट MV एक्ट के तहत 18 साल से कम उम्र के लोगों को लाइसेंस जारी नहीं किया जाता है। ऐसे में 18 साल से कम उम्र के वाहन चलाना भी एक गैर कानूनी है। पहले तो इसी दंड के आधार पर जो है आप पर कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई नाबालिग वाहन चलाते पकड़ा जाए तो उसके खिलाफ ट्रैफिक पुलिस MV एक्ट की धारा 133/177 के तहत चालान काटती है और उससे जो है जुर्माना वसूल किया जाएगा। नाबालिग अगर एक्सीडेंट कर दे तो उसके खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का केस दर्ज किया जाएगा। इसके लिए पुलिस IPC की धारा 279 के तहत मुकदमा दर्ज करेगी और गाड़ी जब्त भी कर ली जा सकती है। गाड़ी जब्त होने के बाद कोर्ट से ही उसे गाड़ी छूटने वाली है। एक बार फिर से समझें कि नाबालिग ने जिसे टक्कर मारी है अगर वह घायल हुआ तो IPC की धारा 279 के अलावा धारा 337 जिसमें कि जख्मी करना के तहत केस दर्ज हो सकता है, दोषी पाए जाने पर सजा का भी प्रावधान है। गाड़ी की टक्कर से अगर किसी को गंभीर चोट आई हो तो धारा 338 के तहत केस दर्ज होगा, लेकिन टक्कर से अगर किसी की मौत हो जाती है तो वाहन चालक पर IPC की धारा 304A लापरवाही से मौत का मामला उसके ऊपर दर्ज किया जाएगा। तो एक तरह से कह लें कि एक तो अपने पास कानून के रूप में जो है जो नाबालिग बच्चे हैं अगर वो गाड़ी चलाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई करने का पूरा जो है एक तरह से कह लें कि अधिकार है। साथ ही साथ अगर एक्सीडेंट होती है तो ऐसी स्थितियों में ये भी कहा गया है कि नाबालिग से अगर एक्सीडेंट होता है तो ये पूरा मामला अगर उस गाड़ी के पास गाड़ी का कागज़ है, उसमें अगर इंश्योरेंस है गाड़ी का, तो इंश्योरेंस कंपनियाँ साफ तौर पर यह कहती है कि कोर्ट में कि यह जो गाड़ी चला रहा था चालक वो नाबालिग है, यानी कि उसकी गलती है। ऐसे में जो है जो कंपनियां इंश्योरेंस की कंपनियां होती है वो भी जो है नाबालिग बच्चे के ऊपर ही वो ठीकरा फोड़ता है कि हमसे कोई गलती नहीं हुई, गलती नाबालिग बच्चे ने किया है। ऐसे में इसकी जितनी भी भरपाई होगी वो नाबालिग बच्चे की तरफ से ही की जाएगी। ऐसे में अगर आप नाबालिग बच्चे हैं या फिर अगर आप बड़े हैं अभिभावक के रूप में हैं और आपके बच्चे नाबालिग हैं वो गाड़ी चला रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि वो बच्चे जो है अगर रोड पर एक्सीडेंट करते हैं तो सज़ा तो उन्हें होगी ही होगी, साथ ही साथ आप अभिभावकों को सजा जरूर होगी। अब परिवहन विभाग जो है लगातार इस पूरे मसले को लेकर एक कड़ा एक्शन लेने जा रहा है। ऐसे में आप अपने बच्चों को समझाएं कि वो तेज़ रफ्तार से गाड़ियां ना चलाएं, खास करके अगर 18 साल से कम की उम्र है तो उन्हें तो अभी जो है भारत सरकार के जो कानूनी प्रावधान है उसके तहत जो उन्हें गाड़ी चलाने का
लाइसेंस ही नहीं मिलता है। तो ऐसे में जो है आप जो है अपने बच्चों को समझाएं, खास करके तेज़ रफ्तार की गाड़ियां वो ना चलाएं। बिहार और बिहार से जुड़े हुए और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।